गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, वेलकम टू क्लास थर्ड. इन प्रीवियस टॉपिक वी रीड अबाउट द ग्लोब, मैप्स एंड काइंड्स ऑफ मैप्स. काइंड्स ऑफ मैप्स, मेन काइंड्स ऑफ मैप, पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स. टुडे आई विल टीच यू climate maps, road maps, sketch maps, okay, and map reading, directions on maps, okay. So let's start. Third, climate maps. These maps give general information about the climate and precipitation. क्लाइमेट मैप्स ज़्यादा आपको जैसे क्लाइमेट से ही लग रहा है कि ये किसकी इंफॉर्मेशन देता है, क्लाइमेट की, प्रेसिपिटेशन यानी रेन एंड स्नो की, कैसा वहाँ पे स्नो होने वाली, रेन होने वाली है, या क्लाइमेट कैसा है. डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो डिफरेंट क्लाइमेट रीजन. अलग अलग कलर इसमें यूज़ होते हैं जो कि आपको शो करते हैं कि इसका क्लाइमेट रीजन कैसा होगा. फोर है आपका रोड मैप्स. रोड मैप्स शो मेजर एंड सम माइनर हाईवेज. रोड मैप्स आपको क्या बताती है, कुछ माइनर यानी छोटे या बड़े हाईवे के बारे में, रोड्स के बारे में, एयरपोर्ट्स, रेलवे ट्रैक, सिटीज़ एंड अदर पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट इन एन एरिया. जिस एरिया में आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, या आपका मेजर या माइनर हाईवे कहाँ पर है, रोड कौन सी है, एयरपोर्ट्स कहाँ पर है, रेलवे ट्रैक, सिटीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप रोड मैप्स में देख सकते हैं. नेक्स्ट आपका स्केच मैप्स. ए स्केच मैप इज़ ए मैप विद ओनली ए फ्यू डिटेल. स्केच मैप एक ऐसा मैप है जो आपको थोड़ी डिटेल बता पाता है. इज़ यूजुअली ड्रॉन बाय हैंड, जिसको आप अपने हाथ से कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो. इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन. ये आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर आप इसको ड्रॉ कर सकते हो. इट नॉट बी एग्जैक्ट. ये कभी कभी एग्जैक्ट नहीं होता है, बट शोज द मेन फीचर्स ऑफ एन एरिया. लेकिन वो एरिया के मेन फीचर्स के बारे में बताता है. वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि आप उसको अपने हैंड से बनाते हो. कॉलोनी मैप्स आर एग्जाम्पल ऑफ स्केच मैप्स. कॉलोनी मैप्स जो हैं इसके स्केच मैप्स का एक एग्जाम्पल हैं. ए स्केच मैप यूजली हाईलाइट्स ए लैंडमार्क विच हेल्प्स द रीडर टू नो द रिलेटिव लोकेशंस ऑफ द प्लेसेस शोन इन इट. स्केच मैप जो है ज़्यादातर हाईलाइट करता है कि आपका लैंडमार्क कहाँ है. वो हेल्प करता है कि आपके रिलेटिव की लोकेशंस क्या है, उसी के थ्रू आप स्केच मैप से ही आप वहाँ पहुँच पाते हो. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैप रीडिंग. अब मैप की रीडिंग हम कैसे करते हैं, इन ऑर्डर टू रीड ईजली एंड क्विकली. हम मैप रीडिंग बहुत आसानी से बहुत जल्दी कर लेते हैं. गुड मैप ऑलवेज हैज़ ए लीजेंड और की विच टेल्स द रीडर वॉट डिफरेंट सिम्बल मीन्स. हर मैप में आप देखोगे कि आपको कुछ लीजेंड्स और कुछ कीज बताई जाएगी, जिससे आप ये कह सकते हैं कि उसमें क्या, कैसे उसके सिम्बल से आप जानते हैं कि कहाँ पे कौन सा वो है. फॉर इंस्टेंस, टू पैरेलल ब्रोकन लाइन्स यूजली रिप्रेजेंट ए टनल. Roads are often represented by a variety of red and combinations of lines. Two parallel broken lines अगर आपको दिखती है तो ये represent करती है कि आपके tunnel कहाँ हैं. Roads are often represent by a variety of red, कि आपके red कितनी, उसकी क्या variety है, and combinations of lines. यानी मैप्स में जो भी आपको लाइंस हैं, वो लीजेंड्स एंड कीज़ हैं, उसके थ्रू आपको आसानी से आप मैप रीडिंग कर सकते हैं. थर्ड टॉपिक है हमारा डायरेक्शन ऑन मैप्स. मैप्स के क्या डायरेक्शंस होते हैं. करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन ऑन ए मैप हेल्प अस इन द रीडिंग द मैप एक्यूरेटली. इसका करेक्ट इंफॉर्मेशन हमको मैप के थ्रू मिलता है. हम एक्यूरेट बता सकते हैं कि
मैप मतलब क्या डायरेक्शन है इसका. मोस्ट मैप्स आर ड्रॉन विद नॉर्थ लोकेट एट द टॉप. ज़्यादातर मैप आप ड्रॉ करेंगे तो वो आपको टॉप पर नॉर्थ ही दिखेगा. समटाइम्स दिस मे बी डिपिक्टेड बाई यूजिंग ए कंपास रोज इफ़ देयर इज नो इंडिकेशन टू द कंट्ररी प्रिज्यूम इट इज नॉर्थ एट द टॉप. कभी कभी ऐसा होता है कि ये इंडिकेट नहीं कर पाता है कि आपके टॉप पर नॉर्थ है या नहीं. वेरी लार्ज लैंड मासेज एंड वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ. अब हम देखेंगे कि वेरी लार्ज लैंड मासेज एंड वाटर बॉडीज अर्थ पर कहाँ कहाँ वाटर बॉडीज होती है. जैसे आपके कॉन्टिनेंट्स हैं एंड ओशंस हैं. कॉन्टिनेंट्स आपके मैंने बताया था महाद्वीप. वेरी लार्ज लैंड मासेज ऑन द अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. जो बहुत बड़े लैंड मासेज होते हैं अर्थ पर उनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं. दीज आर फ्रॉम द लार्जेस्ट इन साइज टू द स्मॉलेस्ट. अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. सेकंड ओशंस. ओशंस यानी समुद्र. एंड ओशंस इज़ ए वेरी लार्ज बॉडी ऑफ ए सेलाइन वाटर. आप ओशंस को देखेंगे इसकी बहुत लार्ज बॉडी होती है और सेलाइन वाटर होता है. आवर अर्थ हैज़ फोर मेजर ओशंस. दीज आर इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर बाई एरिया. द पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन एंड अरेक्टिक. चार इसके एरिया होते हैं. पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन एंड अरेक्टिक. दे कवर अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस. ये जो ओशंस होता है ये पूरे अर्थ पर समझ लीजिए 71% ये कवर किए रहता है. यानी 71% आपका पूरा वाटर होता है जिससे आपका अर्थ क्या है ब्लू दिखाई देता है. ओके चिल्ड्रेंस, यू अंडरस्टैंड. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू चिल्ड्रेंस.